इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एक हाथ से एक काफी ज्यादा जबरदस्त कैच किया था। अब उन्होंने उस कैच के लिए अपनी चुप्पी तोड़ी है। रोहित ने इसका श्रेय अपनी जंपिंग के समय को दिया है। जो जंप उन्होंने उस कैच को लेने के लिए किया था, ये क्रेडिट उन्होंने उस चीज को दिया है। भारतीय कैप्टन ने मैच के चौथे दिन एक ऐसा कैच किया जिसने बल्लेबाज से लेकर अंपायर, फैंस और साथ ही खिलाड़ियों को हैरान कर दिया था। रोहित शर्मा के इस कैच की काफी ज्यादा तारीफ हुई, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल गई। भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीत कर बांग्लादेश से 2-0 से टेस्ट सीरीज जीत ली थी। दरअसल बांग्लादेश की पहली पारी के 50वें ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर लिटन ने सिराज को चार्ज करना चाहा और एक आक्रामक शॉट खेला। गेंद हवा में मिड ऑफ पर गई। लिटन दास ने गेंद पर जोरदार हिट लगाया था और आमतौर पर ऐसे शॉट पर गेंद चौके के लिए जाती है। हालांकि मिड ऑफ पर तैनात रोहित शर्मा ने हवा में उछले और एक हाथ से कैच को पकड़ लिया। इसके बाद मोहम्मद सिराज, विराट कोहली समेत बाकी सभी खिलाड़ी उन्हें बधाई देने पहुंचे। वहीं लिटन दास को तो यकीन ही नहीं हुआ, वो कुछ सेकंड तक क्रीज पर ही खड़े रहे और रोहित को घूरते रहे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें रोहित शर्मा ने ये कहा, इस कैच में समय की अहम भूमिका थी क्योंकि अगर मैं सही समय पर जंप नहीं करता तो आसानी से कैच छूट जाता। मैं बस यही कहूंगा कि मैं काफी लकी रहा जो ये कैच ले सका। मैंने सही समय पर जंप मारी और ठीक समय पर हाथ सही जगह उठाया। साथ ही आपको बता दें, रोहित शर्मा का मानना है कि उन्होंने अपने फैसले पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त क्रिकेट खेला है। रोहित ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच का नतीजा निकालने के लिए आक्रामक तरीके से खेलने का फैसला किया था। रोहित शर्मा ने कहा, मैं अपने निर्णय पर भरोसा रखने के लिए काफी खेल चुका हूँ। मैं मैदान पर जो निर्णय लेता हूँ फिर उसी के अनुसार चलता हूँ। जाहिर तौर पर मेरे आसपास ऐसे खिलाड़ी हैं जो सुझाव देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अंत में मुझे अपने दिमाग और अपने फैसले पर भरोसा है। और जब आप खेल रहे हो तो यही चीजें हैं जो मायने रखती हैं। उन्होंने साथ ही कहा, उच्चतम स्तर पर आपके पास हर चीज का थोड़ा थोड़ा होना आवश्यक है। बुद्धिमानी से निर्णय लेने के लिए आपको शांत रहने की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। आपको बहुत सारे फैसले लेने की आवश्यकता है और हर फैसला आपके अनुकूल नहीं होगा, लेकिन आपको इसका समर्थन करना होगा और अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करना होगा। मैं यही करता हूँ। मालूम हो कि कानपुर टेस्ट में बारिश का साया था और दूसरे और तीसरे दिन एक भी गेंद डाले बिना स्टंप घोषित किया गया था। इसके बावजूद भारत ने चौथे दिन बांग्लादेश की पहली पारी जल्दी समेटी और फिर अपनी पहली पारी घोषित कर बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि पांचवें दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और बांग्लादेश को सस्ते में समेटा, जिससे भारत को आसानी मिली। भारत ने ये मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया था। मैच के बाद कई पूर्व खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा के इस रवैये और जोखिम लेने की शैली की काफी ज्यादा तारीफ भी की थी। अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।